हेलो जी। तो आज मैंने सोचा कि इस ब्रेड का क्या बनाया जाए, कुछ तो डिफरेंट बनाया जाए। फिर मैंने बहुत ही सोचा, फिर मुझे समझ आया कि चलो मैं आज कुछ अलग थोड़ा डिफरेंट ट्राई करती हूँ। जिसके लिए मैंने ले लिया है प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, अदरक, लहसुन और पनीर, जिसे मैं अच्छे से छोटे छोटे काट ले रही हूँ। और हाँ, टमाटर के बीच वाले पार्ट को मैंने निकाल दिया, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा जूसी बन जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को छोटे छोटे काट लिया है। फिर मैंने ले लिया एक पैन, जिसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल डालने के बाद मैंने डाला उसमें लहसुन अदरक, जिसे मैं थोड़ा सा पका ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ थोड़ा सा। फिर मैं उसमें डाल रही हूँ प्याज, प्याज को भी मैंने थोड़ा सा पका लिया। फिर मैंने डाला शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी जब थोड़ा सा पक गया, फिर मैं उसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैंने उसमें मिलाया पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज। पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं उसमें डाल रही हूँ पनीर। पनीर डालने के बाद मैंने उसमें ऐड किया है और चिली फ्लेक्स। पिज्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डालने से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। फिर उसमें मैंने डाला है चीज़, चीज़ मैंने थोड़ा ही डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि नमक बहुत कम ही क्योंकि चीज़ में भी रहता है। अच्छे से मिक्स करके मैंने गैस को कर दिया है बंद। फिर यहाँ पर मैं साइड में ले रही हूँ चीज़ स्लाइस, जिसे मैंने चार पार्ट में कट कर लिया है। फिर यहाँ पर मैंने चीज़ स्लाइस को रखा साइड में। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्रेड, ब्रेड के साइड को भी मैंने चारों तरफ से कट कर लिया है। मेरे ब्रेड हो गए हैं स्टफिंग के लिए रेडी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक ब्रेड का स्लाइस, उसके ऊपर रख रही हूँ मैं चीज़, चीज़ के ऊपर मैं रख रही हूँ यह स्टफिंग जो मैंने बना के रखा था। फिर उस मसाले को रखने के बाद मैंने उसके ऊपर भी मैंने एक चीज़ का छोटा स्लाइस रखा। फिर मैंने ब्रेड के चारों तरफ से मैंने पानी लगाया, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो फिर मैंने पानी लगाने के बाद उसके ऊपर भी एक ब्रेड का स्लाइस रखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चारों तरफ से अच्छे से उसे पैक कर रही हूँ, ताकि जब ये ऑयल में जाए फ्राई होने के लिए तो कहीं से भी बाहर ना निकले, जिससे कि उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल चला जाएगा और तेल भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक एक करके उसे फ्राई कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है और मेरा रेडी हो गया है बन के ब्रेड पॉकेट पिज्ज़ा। तो यहाँ पे मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो एक बार ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। ब्रेड पॉकेट पिज्ज़ा की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो कैसा लगा मेरा ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।